नीचे झुकिए और फिर दिल खोल के हंसिए। मोहन गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है। मुंह से सांस न लें, नाक से ही सांस लीजिए। हंसने के बाद ये जो गहरी सांस अपने अंदर जाएगी वो बहुत फायदा करेगी। 3-4 बार 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। हंसने से कई बीमारियां खत्म होती है, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी रहेगी और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। पर हंसिए जरूर, 5 मिनट प्रोग्राम ये घर पे रखें या बगीचे में रखें, पर बिना हंसे भोजन ना चलें, ठीक है। नंबर 2, हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हाथ ऊपर कीजिए, नीचे झुकिए और एक दूसरे तो हंसाइए। हंसाने में तंजूसी मत करिए। हाथ ऊपर कीजिए, नीचे झुकिए और फिर एक दूसरे तो हंसाइए। सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए। जितनी आप गहरी सांस ले सके और लीजिए और छोड़िए। इसे फॉर्म में मैंने सब बातें लिखी है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। जितनी गहरी सांस ले सके लीजिए और छोड़िए। सब बीमारियों की जड़ तनाव है, टेंशन, जो कि आज सबसे ज्यादा हो रहा है। हर आदमी टेंशन में मारे जा रहा है और उसकी वजह एक ही है कि पत्नी ने तेरा माना तो टेंशन, नहीं माना तो टेंशन। इसलिए इसमें आप पत्नी तेना माने या न माने, आप अपना टेंशन से फ्री रहिए। हाँ, नहीं रहा तो टेंशन भाई है। इसलिए पत्नी को हंसो और हंसाओ, पत्नी को हंसो और हंसाओ। पति जना माने तो ओके, नहीं माने तो ओके। और पत्नी को हंसाओगे तो अपने अपने आप सही। आपने पत्नी को हंसा दिया तो दुनिया तो हंसा दी। बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी ऐसी है, नमस्ते ऐसी। पत्नी के साथ में कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता। समझदार तो उसके दिन गया, समझदार होता तो विवाह ही नहीं करता। विवाह कर लिया, विवाह तो विवाह, विवाह मत करो, विवाह कर लिया विवाह मत करो। नंबर 3 ऐसी है, नमस्ते ऐसी। जो भारतवर्षीय एक बहुत परंपरा रही है, नमस्कार करते हैं दूसरे को, नमस्कार करके एक दूसरे का अभिवादन करना है। और दिल खोल के अभिवादन कीजिए, एक दूसरे का अभिवादन कीजिए और उसके बाद बिना आवाज से हंसना है। हंसने में तंजूसी बिल्कुल न तरे, एक दूसरे को अभिवादन कीजिए। उसी नहीं आते मुझे लग के हंसे। गहरी सांस लीजिए, मुंह बंद, गहरी सांस लीजिए। जितनी आप गहरी सांस ले सके लीजिए और छोड़िए। पर मुंह से न लेवे, नाक से ही लेना है। ये सारे आपके अंदर के ब्लॉकेज जितने भी होते हैं सब खुल जाएंगे। आप अपने आप तो देखिए 5 मिनट पसीने में नहा लेंगे।
ये सारा इसका प्रभाव होता है, पर ये चढ़ने से होगा रोज आप कीजिए। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे शरीर का संचालन सिर से होता है और इससे मालिश ही नहीं होती, इसलिए ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, यानी ये जम जाता है, इसलिए इसकी मालिश करना बहुत जरूरी है। देखिए जोर से तबला बजाए, बिल्कुल ना डरे। अरे जिसका खाली है उसका बहुत जोर से बजता है। ये बात सही है, ओला बन जाता है, सब तनाव कम हो जाता है, खाली हो जाता है वो। ललाट की मसाज, ललाट के लिए उंगलियों से अच्छा बजता है। ललाट की मसाज उंगलियों से लगात करना है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, यहीं पे सारा मसाज हो जाएगा। आंखों की मसाज ऊपर की पलके, एक उंगली से नीचे वाला पोर्शन, ये ताले गप्पे सब खत्म हो जाएंगे। नाक की मसाज, चश्मे का मसाज करें क्या? नाक की मसाज जिससे अपन सांस लेते हैं, इसकी मसाज ही नहीं होती, इसकी मसाज करने से नाक खुल जाता है। मुंह की मसाज, मुंह में हवा भरिए और छोड़िए। होठों की मसाज, कान की मसाज, ये वाला पोर्शन देख लें, कान के नीचे वाला पोर्शन नीचे खींचे, बीच वाला बीच में, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर। ये ज्ञान के पॉइंट्स होते हैं, इससे बुद्धि बढ़ेगी। पुराने जमाने में मास्टर कान खींचते थे, आप तो याद हो, तो उससे पीछे वही लाजिक है। कान में दांत लगाइए, कम सुनना बंद हो जाएगा। दांत लगाइए और छोड़िए, दांत लगाइए थोड़ी देर रखिए फिर छोड़िए। जीवान की मसाज जिससे अपन भोजन करते हैं, इसी से भी मसाज ही नहीं होती, इसके लिए जरूरी है शेर मुर्दा। कैसे रहेंगे, ये पाँव ऊपर ले लीजिए, ये और हाथ इसे कीजिए, तो जुबान तो खींचना है जोर से बाहर की तरफ, निकालना है, निकालने में कंजूसी न करें। पोर्शन था मैंने आपको एक्सरसाइज कर दिया। अब हाथों की मसाज, हाथ लीजिए, कंधे की मसाज, पांच बार सीधा पांच बार उल्टा, हाथ ऊपर कीजिए नीचे उतारिए, ऊपर कीजिए नीचे उतारिए, ऊपर कीजिए नीचे उतारे। पाँव जैसे छोड़े कर लें, पीछे एकदम टर्निंग देना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साढ़े सात फिर आप चार दिया, कभी भी आइए आप, वेलकम। अरे आप बहुत चीज सुंदर चीज मिस कर दी तीन दिन से, आप कल आ जाना आप। बीच में आ जाओ, पाँव छोड़े चल लीजिए। ये सब एक्सरसाइज अपन ने बचपन में की है, याद कीजिए।
जितना हाँ बिल्कुल लंबा जाने दीजिए, जितना आप ज्यादा ले जाएंगे देख लीजिए उतना फायदा है। घुटने की मसाज, चटक रहे सर। हाँ बिल्कुल, आपकी कई बीमारियां से खत्म हो जाएगी। बैठक की मसाज देखिए, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कोशिश करें जितना हो उतना करें, जल्दबाजी न करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ऐसा करने से कोशिश करें हमेशा नीचे बैठ के भोजन करें, बहुत ही अच्छा है। डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, इस वजह से भी अपने तो बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय पद्धति अनुसार नीचे बैठ के भले भोजन किया जाता था, लेकिन भी नीचे उसी में रखते थे। लेकिन आज कल क्या है, ये वेस्टर्न स्टाइल जो शुरू हो गई, इससे घुटने का दर्द बढ़ गया, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज नहीं होती। किचनशाला में भी लेडीज पहले नीचे बैठ के भोजन बनाती, तो उनको घुटने का दर्द इतना नहीं होता। ऐसा सब थाले थाले बनाते ना, इसलिए ये घुटने का दर्द बढ़ जाती, इसलिए एक्सरसाइज नहीं होती। इसलिए इसको एक्सरसाइज करें या फिर वो करें, पर दोनों ही नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, अब ताली बजाओ, रोक बजाओ, जोर से ताली बजाना है, रोक बजाइए, जोर से ताली बजाए। हाथों की रोशनी आंख से जाएगी तो आंखें अच्छी हो जाएगी। अब एक बार प्रेम से हरिओम बोलना है, हरिओम बोलने में कंजूसी न करें, नीचे झुके हैं और फिर जोर से हरिओम बोलिए एक ही लय में। अपना अपना सामान संभाले। अपना अपना सामान उधर।